हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रीगेशन का, ठीक है। कि एग्रीगेशन क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है और क्या इससे हम लोग को बेनिफिट होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकली देख लेते हैं और डिफिनेशन ऑफिशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, और इसके मैं अपने मैं अच्छे से मैं बताऊँगा चीज़ों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेशन इज़ यूज व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप एमोंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखिए क्या कहने का मतलब है कि एग्रीगेशन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें जो है एक रिलेशनशिप के अमोंग एक रिलेशनशिप दिखाना होता है, ठीक है। अगर आपके पास दो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके अमोंग आपको क्या करना है, एक रिलेशन दिखाना हो, तो हम लोग क्या क्या इसका यूज़ करते हैं एग्रीगेशन का। चीज़ समझ में आएंगे आपको, ठीक है। आप जो देखते जाइएगा चीज़ समझ में आ जाएंगी, पेशेंस रखिए, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। एग्रीगेशन इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच रिलेशनशिप आर ट्रीटेड एज अ हायर लेवल एंटिटी। क्या होता है कि एग्रीगेशन एक एब्स्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप को जो है हम लोग एज अ हायर लेवल एंटिटीज बना देते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन इज़ अ प्रोसेस व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंगल एंटिटी। एंड एग्रीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, जब हमारा दो अगर एंटिटीज का रिलेशनशिप को हम क्या करना चाहते हैं, यानी दो एंटिटीज हैं, कहने का मतलब ये, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक एंटिटी ये है, ठीक है, एंटिटी E1 और एक हमारे पास है एंटिटी 2, ठीक है। यानी अगर इसके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हम लोग बना देते हैं, एक एंटिटी बना देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पूरा का पूरा क्या बना देते हैं, एक एंटिटी बना देते हैं, और जो भी यहाँ पर होते हैं एंटिटी उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज कंसिडर्ड एज अ एंटिटी सिंगल एंटिटी। हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल एंटिटी के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, सिंगल एंटिटी हम लोगों ने इसको बना दिया, ठीक है। सब क्या बना दिया, हम लोग सिंगल एंटिटी बना दिया। एंड अगेन दिस सिंगल एंटिटीज हैज़ रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी। और वही मैंने बनाया कि अगर हमारे पास एंटिटी अगर 3 है, तो इसको हमने क्या कर दिया, एक रिलेशनशिप बना देंगे एंटिटी 3 से, ठीक है। एंटिटी 3 से हम लोग क्या बना देंगे, एक रिलेशनशिप ज्वाइंट कर देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं एग्रीगेशन। और ये जो लिखा हुआ है कि एग्रीगेशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच रिलेशनशिप अट्रैक्ट एज अ हायर लेवल एंटिटीज। और जो आपने बनाया यहाँ पे कि एक एंटिटी यहाँ पर है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है कि एक एंटिटी है, ठीक है, और एक एंटिटी जो यानी दो एंटिटी आपके पास है, एक आपने दोनों एंटिटी को क्या कर दिया, मर्ज करके एक एंटिटी बना दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हायर लेवल एंटिटी मैंने इसको बोला जाएगा, ठीक है, हायर लेवल एंटिटीज बोला जाएगा, जो एक जो है ऑब्स्ट्रैक्शन की तरह काम किया। ऑब्स्ट्रैक्शन की तरह सेंस कि अब अंदर की चीज़ों को जो है छुपा दिया और ऊपर की चीज़ें दिखा दिया। ऑब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो मतलब कि जो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे जो है दिखाना, एंड उसके बाद जितनी भी डिटेल्स होते हैं उसको छुपा देना, ठीक है, हाइड कर देना, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एग्रीगेशन का। तो देखिए एग्रीगेशन का क्या एग्जाम्पल हुआ, मैं बताता हूँ आपको। रिलेशनशिप ऑफ रिलेशन यानी एक रिलेशन का क्या करना है, रिलेशनशिप बताते हैं। बेसिक ईआर मॉडल कांट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग अदर रिलेशनशिप। जो हमारा बेसिक ईआर मॉडल था, ठीक है, जो ट्रेडिशनल ईआर मॉडल था, मैंने बताया था ना कि इसमें क्या होते हैं कि एग्रीगेशन क्या है, मैंने बताया था ना आपको। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ईआर मॉडल क्या था पहले से, जो हमारे पास क्या था, ट्रेडिशनल ईआर मॉडल था, ठीक है। और इस ट्रेडिशनल ईआर मॉडल में क्या कितने कंपोनेंट थे, 3 कंपोनेंट थे, क्या थे, एंटिटी था, एट्रीब्यूट्स था, और हमारे पास रिलेशन था, ठीक है। हमने क्या किया, इस ईआर मॉडल में क्या कर दिया, अलग से जो है कुछ फीचर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। फीचर्स को ऐड करके मैंने क्या बना दिया, एक्सटेंडेड ईआर फॉर्म बना दिया। और जो इसी को जो हमने जो क्या बनता था, एक्सटेंडेड ईआर फॉर्म बनते हैं, जो फीचर्स ऐड किए वो हमारा क्या था, जनरलाइजेशन था, स्पेशलाइजेशन था और एग्रीगेशन था। तो इसके दोनों को हमने जो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को भी पढ़ा था, जनरलाइजेशन हमने पढ़ चुका है, स्पेशलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके दोनों के बीच में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये लास्ट हमारा एग्रीगेशन है, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो पहले ईयर मॉडल ट्रेडिशनल ईयर मॉडल था इसमें पॉसिबल नहीं था एग्रीगेशन का प्रोसेस का, ठीक है। तो इसने कह रहा है कि बेसिक ईयर मॉडल कांट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग अदर रिलेशनशिप। यानी एक अगर आपके पास रिलेशनशिप है तो उसके दूसरे रिलेशनशिप के पास हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन का कोई रिप्रेजेंट करने का कोई भी जो हमारे पास मेथड नहीं था, ठीक है। बट एन एम्प्लॉय, जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपके पास, एन एम्प्लॉय वर्क ऑन अ पर्टिकुलर जॉब एट अ पर्टिकुलर ब्रांच। एक एम्प्लॉय है जो वर्क करता है पर्टिकुलर जॉब और वो भी पर्टिकुलर ब्रांच में काम करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यहाँ पर एम्प्लॉय जॉब ब्रांच है जिसमें से एक जो है हमने रिलेशनशिप से क्या कर दिया, उसको जो है हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं क्या चाहते हैं, ये तो हमारे बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही हमारा मतलब अगर हम लोग ईयर डायग्राम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, डायग्राम का ही हम लोग काम करते हैं,
हमें कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं या कोई भी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्री में, तो पहले हम लोग को जो है या डायग्राम बनाने पड़ते हैं, है ना, या मतलब हम कुछ ना कुछ डायग्राम बनाने पड़ते हैं, उसके बाद हम लोग टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हमें एक और जो है जो आपको दिख रहा है तो सिंपल है। क्या है सिंपल है कि एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और पर्टिकुलर जॉब करता है पर्टिकुलर ब्रांच में, और किससे कनेक्टेड है, वर्क के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है ना, एन एम्प्लॉय वर्क ऑन एट ए पर्टिकुलर ब्रांच, एट ए पर्टिकुलर ब्रांच। ये तो सिंपल था, ठीक है। अब हम कहना चाहते हैं कि ये जो आपको दिख रहे हैं ना, जो आपने पढ़ा अभी, एन एम्प्लॉय वर्क ऑन अ पर्टिकुलर ब्रांच एट ए पर्टिकुलर ब्रांच, तो इसमें हम क्या करते हैं, मैनेजर को ऐड करना चाहते हैं, ताकि जो जितने भी चीज़ें वो मैनेजर जो है मैनेज करें। तो कैसे बनेगा, सपोज डैट वी वॉन्ट टू असाइन अ मैनेजर फॉर अ जॉब परफॉर्म बाई अ एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर ब्रांच, यानी हम लोग क्या करते हैं, एक मैनेजर को असाइन करना चाहते हैं, ताकि वो जॉब है ना, जॉब का परफॉर्मेंस को चेक कर सके, और एम्प्लॉय के ब्रांच को जो है हैंडल कर सके, उसके फीचर्स को, या सॉरी उसके फीचर्स को नहीं, उसके जो है क्या वो काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, एक मैनेजर को असाइन करना चाहते हैं। तो जब हम इस चीज़ में, जब हम एक मैनेजर को जब मैनेज करने के लिए जब ऐड करते हैं, तो देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो देखिए, यहाँ पर देखिए ये चीज़ें आपको जो दिख रही होंगी, हाँ अब दिखेंगे, ठीक है, ये देखिए आपको जो दिख रही होंगी, एक हो गया हमारे पास, क्या आपने किया, सपोज डैट वी वॉन्ट टू असाइन, क्या आपने किया, एक असाइन किया अ मैनेजर फॉर जॉब परफॉर्म बाई एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर ब्रांच। आपने क्या, एक मैनेजर को असाइन कर दिया जो पर्टिकुलर ब्रांच में काम कर रहा था, ठीक है, आपने एक मैनेजर को अप्लाई कर दिया, और किसके रिगार्डिंग, जो आपके पास एम्प्लॉय था उसके जॉब एंड ब्रांचेज के ऊपर रिगार्डिंग, कि आपको उस चीज़ को देख सके, देख रेख कर सके, ठीक है, आपने इतना कर दिया। जब इसका, जब मैंने ये जो आपको दिख रहा है ना डायग्राम, आपको जब इसको मर्ज किया अपने मैनेजर से और मैनेजर से, ठीक है, दोनों से जब आपने जब मर्ज किया, तो इस तरह का बना, क्या बना, कि जो मैनेजर है, ठीक है, मैनेज कर, मैनेजर यहाँ पर है, ठीक है, मैनेजर की एंटिटी है, और मैनेजर है रिलेशनशिप है, और यहाँ पर वर्क ऑन क्या है हमारे पास, रिलेशनशिप। तो कितने हमारे पास रिलेशनशिप है, दो रिलेशनशिप, कितने में, दो रिलेशनशिप है। तो देखिए दोनों को रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करता हो, ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहा है, एज मैनेजर है या मैनेज कर रहा है। देखिए एक जो हमारा जॉब है, इससे क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या मैनेजर है तो मैनेज कर रहा है, राइट। एक यहाँ पर क्या ब्रांच है उसको भी मैनेज कर रहा है, एम्प्लॉई है इसको भी मैनेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक खुद का भी एक रिलेशनशिप है कि जॉब हमारे पास एक वर्क हो रहा है, एम्प्लॉई हमारा वर्क कर रहा है, ब्रांच है वर्क, यानी एम्प्लॉई एक पर्टिकुलर ब्रांच पे काम कर रहा है, पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, ठीक है। और ये जो ब्रांच भी मैनेजेस कर रहा है, एम्प्लॉई को भी मैनेज से कनेक्ट है, जॉब भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए कि जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, यानी यहाँ पे बहुत क्या होता है, रिडंडेंट रिलेशनशिप हो रहा है। रिडंडेंट का मतलब होता है बहुत सारी क्या, मल्टीपल कॉपीज बन जा रही है रिलेशनशिप का, यहाँ पर भी रिलेशन हो गया, यहाँ पर रिलेशन हो गया, और बहुत सारे देखिए एरोज हमारे पास बन गए, है ना, बहुत सारे एरोज बन गए। इसको जो ये डायग्राम है ना, ईआर डायग्राम ऑफ रिडंडेंट रिलेशनशिप, यानी जो ये जो डायग्राम है, ये हमारा ईआर डायग्राम रिडंडेंट रिलेशनशिप का है, यानी जो बहुत सारी हमारे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, ठीक है, बहुत सारी क्या बने, कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बन गई। जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है वो क्या बढ़ी है, रिडंडेंट रिलेशनशिप बढ़ी है, ठीक है, यानी रिडंडेंसी हो गया किस चीज़ का, रिलेशनशिप का। जब इस रिडंडेंसी को कम करने के लिए, एंड इस रिडंडेंसी रिलेशनशिप को कम करने के लिए हम लोग एग्रीगेशन का यूज करते हैं। आज हम लोग एग्रीगेशन का यूज करते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है वो देख लीजिएगा, आपको जो फॉलो करके हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, पहले क्या होता है कि पहले देखिए क्या है कि टू एलिमिनेट दिस रिडंडेंसी बाय एग्रीगेशन, आपको जो रिडंडेंसी आपको दिख रही है ना, उस एग्रीगेशन के थ्रू क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है, पहली प्रोसीजर। ट्रीट रिलेशनशिप एज ए एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, आपको जो रिलेशनशिप दिए है ना, उसको एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की तरह बिहेव करें, मतलब उसको जो है ट्रीट करें। अलाउ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप, अब क्या करें, एक रिलेशनशिप को एक दूसरे रिलेशनशिप में क्या करें, अलाउ कर दें। अब्स्ट्रैक्शन ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप इनटू अ न्यू एंटिटी, आपको क्या करना है, एक जो एंटिटी आपका है जो पहले से रिलेशनशिप में है, उसको एक एंटिटी बना देना, यानी जो एंटिटी एक एंटिटी है उसको क्या बना देना, आपको एक रिलेशनशिप एंटिटी बना देना है, यानी जो भी आपको रिलेशनशिप है ना उसको क्या बना देना, एक एंटिटी बना देना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, With aggregation, without introducing redundancy, the ER diagram can be represented as, जब आपके पास ER diagram था, ठीक है, ER diagram था किस चीज़ का, redundant relationship का, जिसमें बहुत सारे relationship बढ़े हुए थे, जिससे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सर ये वाली, ठीक है, ये जब आपको दिख रही थी ना ये चीज़ें, ठीक है, ये जो आपको दिख रही थी, देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे आपको क्या क्या दिख रहे हैं, एरोज दिख रही हैं, यहाँ पर रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन है, इसको भी मैनेज कर रहा है, ये भी मैनेज कर रहा है, जॉब को भी मैनेज कर रहा है, मैनेज कर रहा है मैनेजर, ठीक है, मैनेजर जो है मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होंगे, देखिए कि एनी एम्प्लॉय वर्क ऑन अ पर्टिकुलर जॉब एट अ पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है, एनी एम्प्लॉय ब्रांच जॉब कॉम्बिनेशन में हैव एसिस्टेंट मैनेजर। अब देखिए क्या हो गया कि तीनों के तीनों में मैनेजर को मैनेज कर दिया, यहाँ पर एम्प्लॉय है, जॉब है, वर्क है, जॉब है, ब्रांच है, तो तीनों को जो आपको दिख रहा है ना, एक एक रिलेशन को एक एज एंटिटी बना दिया, एंड एक रिलेशनशिप को और जितने भी एंटिटीज थे उसको पूरा का पूरा क्या आपने बना दिया, एक आपने क्या बना दिया, एंटिटी बना दिया,
एक अपने सिंगल एंटिटी कंसीडर करने लगा। वही जब मैं आपको फर्स्ट बता रहा था कि अगर आपके पास एक एंटिटी है और आपके पास दो एंटिटी है या थ्री एंटिटी, आप तीनों के तीनों जो आपको ज्वाइंट है किसी न किसी रिलेशन से, तो पूरा का पूरा क्या कंसिडर करो, एक कंसिडर एज अ सिंगल हायर लेवल एंटिटी। तो इसको क्या कंसिडर करना है, आपको हायर लेवल एंटिटी कंसिडर करना है, जो मैंने पहले बताया था कि एक एंटिटी यहाँ पर है, एक एंटिटी यहाँ पर है, एक एंटिटी यहाँ पर है और एक एंटिटी हम यहाँ पर है, और सब के सब किसे ज्वाइंट है, आपके रिलेशनशिप से ज्वाइंट है, ठीक है, सब के सब क्या है, रिलेशनशिप से ज्वाइंट है, ठीक है। तो आपको इसको पूरा पूरा कंसिडर करना है क्या, हायर लेवल एंटिटी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटिटी कहेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एंटिटी हो गया, ओके। अब इसको पूरा का पूरा कौन मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या इस मैनेजर के पास कोई भी रिडंडेंट रिलेशनशिप का कोई कंसेप्ट है, नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था, ब्रांच से भी था कनेक्टेड, वर्क से भी कनेक्टेड था, जॉब से भी कनेक्टेड था, रिलेशनशिप भी कनेक्टेड था, ऐसा कुछ है नहीं है। डायरेक्टली एकदम सिंगल इसको मैनेजर पूरा का पूरा क्या बना दिया, ये कि एंटिटी बना दिया, हायर लेवल एंटिटी बना दिया, और उसका फिर मैनेजर को सौंप दिया, और मैनेजर जो है मैनेज कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो एग्रीगेशन का यूज़ करके हम लोग जो रिडंडेंट रिलेशनशिप थे उसको हम लोगों ने कम कर दिया। तो ये था हमारा एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये चीज़ को देखिए कि आपके पास जितने भी बहुत सारे रिडंडेंट रिलेशनशिप थे, इसको हम लोगों ने जो है दूर कर दिया किसी एग्रीगेशन के यूज़ करके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है बड़ी अच्छे से आनी चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ से आनी चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया था, ये चीज़ आपको जो है पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ देखिए आपको लास्ट में क्या आपको दिखा, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। लास्ट में आपको जो इतना फॉलो करने के बाद इस तरह से बनाना होता है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको जो है गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे प्रीवियस और इतने भी लेक्चर्स आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।